श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के 23वें वार्षिकोत्सव के तहत शनिवार को पूरा श्री परिसर बजरंग बली की श्रद्धा और भक्ति में लीन हो गया। इस दौरान श्री परिसर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। शनिवार प्रातः शुभ बेला में मंगला एवं श्रृंगार आरती द्वारा हनुमान जी की स्तुति की गई। विद्वान आचार्य लक्ष्मी नारायण की उपस्थिति एवं उनके साथ अन्य विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार में विधि विधान पूर्वक देव पूजा अभिषेक एवं भव्य आरती सम्पन्न हुई। कंपनी के चेयरमैन एमिरेट्स बीजी बांगड़, चेयरमैन हरिमोहन बांगड़ एवं वाइस चेयरमैन प्रशांत बांगड़, विराज बांगड़ एवं विदुष बांगड़ ने श्री संकट मोचन हनुमान जी का सपरिवार अभिषेक किया एवं आमंत्रित अतिथियों की उपस्थिति में पूजा हवन एवं पूर्णाहुति की। समारोह में कंपनी के प्रबंध निदेशक नीरज अखोरी सहित कंपनी के पीएन छंगानी, संजय मेहता, अरविंद खींचा, बहराम शेरडीवाला, मनोज कुमार श्रीवास्तव, शैलेश अम्बस्था, सोम शेखरा, रामा काली प्रसाद, प्रमेश आर्य, आशीष पलोड, नीरज बंसल, विनय सक्सेना व सतीश माहेश्वरी ने सपरिवार श्री संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। कंपनी की अन्य इकाइयों से आए हुए वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। वार्षिकोत्सव के दौरान शनिवार दोपहर में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर से विशाल शोभा यात्रा में इस बार नवग्रहों पर आधारित मनोरम झांकियों के साथ साथ केरला की मशहूर दक्षिण भारतीय शैली में सजी हुई देव स्वरूपों की झांकियों ने नृत्य करते हुए भी अपनी प्रस्तुति दी। झांकियों की सजावट सभी के आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के दौरान बांगड़ परिवार ने भगवान के विग्रह स्वरूप को निज मंदिर से पूर्ण विधि विधान के साथ दिव्य रथ में विराजमान करवाया। श्री परिवार के मुखिया ने प्रत्येक झांकी के पास जाकर उसके दर्शन कर उसे सराहा। इस अवसर पर श्री परिसर किसी देवलोक से कम प्रतीत नहीं हो रहा था। श्री परिवार के मुखिया बीजी बांगड़ ने अपने परिवारजन सहित प्लांट के गेट पर विग्रह स्वरूप की पूजा अर्चना भी की। इस दौरान जयपुर के जिया बैंड ने भक्ति की मधुर धुनों से सभी को इतना भाव विभोर कर दिया कि मधुर भजनों पर रंग बिरंगी पोशाकें पहने भक्तगण खुद को झूमने, नाचने व गाने से नहीं रोक पाए। झांकियों की सजावट व प्रस्तुति इतनी मनमोहक व सजीव थी कि उपस्थित संपूर्ण जन समुदाय उसे देखता ही रह गया। इस दौरान प्रतिवर्ष की भांति शोभा यात्रा में श्री परिवार के सदस्यों के साथ आसपास के ग्रामीण जन, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों ने भारी संख्या में शोभा यात्रा में भाग लेकर संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। शोभा यात्रा को पूरे प्लांट परिसर एवं कॉलोनी परिसर में भ्रमण कराने के पश्चात विशेष संध्या आरती एवं शयन आरती का आयोजन किया गया। श्री सीमेंट परिसर को मंदिर वार्षिकोत्सव के अवसर पर समूचे मंदिर परिसर की भव्य सजावट की गई है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शोभा यात्रा में जहां सभी का सहयोग रहा, वहीं आसपास की सभी पंचायतों के सरपंचों, जनप्रतिनिधियों व सैकड़ों ग्रामीणों ने बांगड़ परिवार का स्वागत किया। श्री परिसर के मुख्य द्वार पर स्टाफ सदस्यों द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा में सम्मिलित सभी आगंतुकों का स्वागत किया गया। ब्यावर शहर में राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय अमेरिका, जापान, जर्मन की मशीनों द्वारा आंखों की जांच, मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर मौर्य आंखों के अस्पताल में किए जाते हैं। जर्मन की लेजर मशीन से आंखों के लेंस की सफाई एवं काला पानी की जांच की जाती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एल्पिस माइक्रोफेको तकनीक द्वारा बिना चीरा, बिना टांका, बिना सुई के ट्रॉपिकल से फोर्डेबल, मोनोफोकल से मल्टीफोकल एवं टॉरिक लेंस प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मिलने का स्थान ओपीडी, सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक। तो पता नोट कीजिए, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल अजगर बाबा थान के पास सेंद्रा रोड ब्यावर। डॉक्टर मौर्य एमएस फेको सर्जन, 9 गोकुल नगर कटारिया कॉलोनी के पास गणेशपुरा रोड ब्यावर। मोबाइल नंबर 94142-64461।